हम बहुत ज्यादा अपने ऊपर बोझ बेमकसद कामों का रखा होता है, उसको हम छांटी करते रहे। हम 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद अपनी जेबों में हाथ डाल करके चीजें निकालते हैं, ये कार्ड ये भी फजूल है, वक्त इसका भी गुजर गया, इसको कई चीजें फेंक देते हैं। घरों के अंदर कई चीजें संभाल के रखते रहते हैं, लेकिन 6 माह बाद, 4 माह बाद सफाई करते हैं तो हल्का फुल्का करते हैं। हम इस तरह अपने कामों पर भी गौर करें कि हमारी कौन सी मसरूफियातें हैं जो हमें थका रही हैं, लेकिन उसका हमारी ज़िंदगी से, हमारी आखरत से, हमारे अखलाकियात से, हमारे किरदार से, अल्लाह की मखलूक से कोई ताल्लुक नहीं। हम खाम खा के थक रहे हैं सवेरे से लेकर शाम तक, तो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपने मामूलात का जायज़ा लें, अपने शब रोज़ का जायज़ा लें। जो ज़रूरी ज़रूरी काम हैं उनको तरजीहन आगे लेकर आएँ, जो कम ज़रूरी है उनको फिर बाद में लेकर आएँ, और जो गैर ज़रूरी हैं उन कामों से अपने आप को बचा लें। आपका वक्त बचेगा, सबसे कीमती शय आपका वक्त है, और वक्त बचाना सीखना हो तो मेरे हुजूर की सीरत से सीख। मुझे बताइए, 302 का एक मुकदमा पड़ जाए, सिर्फ 302 का एक मुकदमा झूठा ही हो, आधी ज़िंदगी खा जाता कि नहीं? ये सारे मुत्तफ़िक़ हैं ना इस पर, मेरे हुजूर ने 27 जंगें लड़ी हैं। यहाँ 302 का झूठा मुकदमा आधी ज़िंदगी खा जाता है, लेकिन कितना मुनज़्ज़म वक्त था, मेरे हुजूर ने 27 जंगें लड़ी हैं, लेकिन इस दौरान मेरे हुजूर की नमाज़ें कज़ा तो नहीं हुई, इस दौरान अजवाज के जो हुकूक़ थे उनमें कोताही तो नहीं हुई, इन औकात के अंदर जो सहाबा को तरबियत का नज़म था हुजूर ने रखा वो मुतासर तो नहीं हुआ, आने वाले वफूद से मुलाकात मौकूफ़ तो नहीं हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम बाकी जो उमूर ज़िंदगी सर अंजाम देते थे वो तो मुतासर नहीं हुए, हत्ता के महबूब की शब बेदारी भी मुतासर नहीं हुई, बल्कि मेरा रब रब हो के कह रहा है कि ऐ चादर ओढ़ने वाले महबूब, सारी रात जागा ना कर कभी सो भी लिया कर, सारी रात जागा ना कर कभी सो भी लिया कर। तो ये हुजूर की ज़िंदगी है, कोई सीखे ज़िंदगी गुजारना हुजूर अलैहिस्सलाम से सीखे। वक्त के हवाले से मैं कहता हूँ शोबे के माहरीन हुजूर की सिर्फ़ एक हदीस को देख लें, कायनात में शोबे में इससे बेहतर आपको कोई रहनुमाई नहीं मिलेगी जो मेरे हुजूर ने दी। मिन हुस्न इस्लाम मरे तर्कहु माला यानी है, किसी शख्स के इस्लाम का जमाल और हुस्न यह है कि वो हर बेमकसद काम को छोड़ दे। जब हम अपनी ज़िंदगी से बेमकसद कामों को निकालते जाते हैं तो ज़िंदगी मुनज़्ज़म होती है। तो अपने वक्त को बचाओ, अपने वक्त की कदर सीखो, अपने वक्त के एक एक लहजे को महफूज करो। सबसे कीमती सरमाया जो रासुल माल है आपका, वो आपका वक्त है, और जिसने वक्त बर्बाद कर दिया, यूं ही बैठे बैठे वक्त गुजार दिया, बेमकसद वक्त बसर हो गया, तो उसने अपना सख्त नुकसान किया। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। इसको उस्वाए कामिला नहीं कहा गया, अगर उस्वाए कामिला भी है, लेकिन कहा उस्वाए हसना, खूबसूरत ज़िंदगी है मेरे हुजूर की, बेहतरीन नमूना है, खूबसूरत नमूना है, हसीन नमूना है। ये ज़िंदगी हुजूर की ज़िंदगी के मुताबिक अगर ढालना शुरू कर दोगे तो ज़िंदगी गुजारने का नशा आना शुरू हो जाए।